है पत्थर में भगवान मगर, ये सत्य है कि पत्थर में भगवान है, लेकिन वेद क्या कहता है, है पत्थर में भगवान मगर पत्थर भगवान नहीं होगा, है पत्थर में भगवान मगर पत्थर भगवान नहीं होगा। और इसकी जांच कैसे की जाएगी, एक ही तरीके से की जा सकती है, अरे बिन वैदिक सिद्धांत के जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा। पत्थर में भगवान मगर है पत्थर में भगवान मगर पत्थर भगवान नहीं होगा। बिन वैदिक सिद्धांत के जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा। है पत्थर में भगवान मगर ईश्वर एक अनेक नहीं है, वेद मंत्र के छंद कहे सतचित आनंद है उसको, इसीलिए सच्चिदानंद कहे। निराकार घट घट वासी साकार उसे मति मंद कहे। ना खाता पीता ना बोले फिर भी उसे सुख कंद कहे। ना खाता पीता ना बोले फिर भी उसे सुख कंद कहे। निर्जीव संजीव का बुद्धि हीनों को ध्यान नहीं होगा। बिन वैदिक सिद्धांत के जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा। है पत्थर में भगवान मगर पत्थर भगवान नहीं होगा। पूजा तो करते हैं लेकिन नहीं किसी से पूजा है। मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ बरसी थी, मैं एक पंडित जी ले गया अपने साथ, वैदिक विद्वान था, हवन शुरू कर दिया। एक रिश्तेदार आया, अरे बोले यू कैसो बामने, मैंने कहा का हो, बोले पूजा तो करवाई ना है और याने तो सीधो हवन अब पूरो है जाए। मैंने कहा पूजा का ये तो कहते हैं, अरे बोले फूल चढ़वाम तो पैसा चढ़वाम तो, मैंने कहा इससे पूजा होती है। पूजा का भी मतलब समझिए मेरी बहनों, 5 मिनट बची हैं और गीत अभी आधा सा रह रहा है, समझ लीजिए गीत में। पूजा तो करते हैं लेकिन नहीं किसी से पूजा है। तीन वस्तुओं के बिन होती, तीन वस्तुओं के बिन होती नहीं किसी की पूजा है। कैसे होती है जरा, प्रथम पूजा की सामग्री, प्रथम पूजा की सामग्री पूजने वाला दूजा है। और अरे तीजे पूजा समझने वाला बुद्धि से नहीं सूझा है। तीजे पूजा समझने वाला बुद्धि से नहीं सूझा है। उनकी पूजा निष्फल हो, किसकी भाई, उनकी पूजा निष्फल हो यो, उसकी पूजा निष्फल हो जहां यह सामान नहीं होगा। बिन वैदिक सिद्धांत के जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा। पत्थर में भगवान मगर पत्थर भगवान नहीं होगा।
चिंता ना करें। तो पूजा तो करते हैं लेकिन नहीं किसी से पूजा है। तीन वस्तुओं के बिन होती नहीं किसी की पूजा है। प्रथम पूजा की सामग्री पूजने वाला दूजा है और तीजे पूजा समझने वाला बुद्धि से नहीं सूझा है। उनकी पूजा निश्चल निष्फल हो जहां यह सामान नहीं होगा और बिन वैदिक सिद्धांत के जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा। आइए आगे कहा, पशु पक्षी और कोई जानवर पूजा करवाते हैं, एक मिट्टी की डली रख देते हैं, उसको भी तो गणेश ही कहते हैं शायद, उस पर कलावा लपेट देते हैं और कहते हैं बोले यही भगवान है, उस पर पैसे चढ़वाए जाते हैं। अच्छा, वो पैसे भगवान को चढ़ते हैं या जो जो वो चढ़वाता है उसको चढ़ते हैं? लेकिन भाइयों बहनों, भगवान को अगर जानना है तो तुमसे तो पशु पक्षी ज्यादा जानते हैं। अब आप अचंभे की बात कहोगे, वो कैसे हमसे ज्यादा जानते हैं, हम इंसान हैं। भाई साहब, लोकल परमात्मा को पूजने के लिए इंसान आतुर रहता है। देखिए, जो हम आजकल जो ढोंग और पाखंड चल रहा है, पशु पक्षी ऐसा नहीं करते और उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पशु पक्षी और कोई जानवर नहीं नकली से डरते हैं, नकली पर कोई भी प्राणी नहीं आक्रमण करते हैं। ये कैसे मानव हैं जो नकली के पीछे पड़ते हैं, असली देवता मात पिता घर भूखे प्यासे मरते हैं, असली देवता मात पिता घर भूखे प्यासे मरते हैं। ऐसे भक्तों का जग में हरगिज कल्याण नहीं होगा, बिन वैदिक सिद्धांत के जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा। अंत में कहा, सृष्टि की रचना करने वाला है तुम उसको जानो। जिसने संदीप भाई सृष्टि का निर्माण किया हो और हमने उसका निर्माण कर दिया, जिसने सृष्टि का निर्माण किया हो हमने उसका निर्माण कर दिया, बताओ कितने बड़े ज्ञानी बन बैठे। पर मूर्खो, कछ तो समझो। सृष्टि की रचना करने वाला है तुम उसको जानो, पहले तो उसको जानो और बाद में फिर उसको मानो। क्या करना था क्या कर बैठे, सही बात को पहचानो। क्यों हट धर्मी बने हुए हो, ठान मती ऐसी ठानो। क्यों हट धर्मी बने हुए हो, ठान मती ऐसी ठानो। धनी राम बेधड़क अगर, धनी राम बेधड़क अगर वैदिक प्रमाण नहीं होगा, बिन वैदिक सिद्धांत के जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा। है पत्थर में भगवान मगर, पत्थर में